दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर टेरेस की सफाई का काम शुरू है। तो हम पहले ये थोड़ी जो पोपड़ियाँ थी वो निकाल रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हो स्लैब में 4 इंच का स्लोप है, फिर भी वाटर लीकेज है। तो ये हमारा यूट्यूब का वीडियो देख के ही हमें यहाँ पर वाटर लीकेजिंग और वाटर प्रूफिंग टेरेस टाइल्स लगाने के लिए बुलाया गया है। तो वहाँ से इस साइड में 4 इंच का स्लोप है, फिर भी वाटर लीकेज है, और ये नया मकान ही है तो हम इसका वाटर प्रूफिंग करके टाइल्स बिठाने वाले हैं। और इसमें जानने वाली एक बात यह है कि हम यूट्यूब के माध्यम से यहाँ आए हैं, हमारा वीडियो देख के हमें यहाँ बुलाया है। तो हम देख सकते हैं अभी ऊपर पानी नहीं है, लेकिन पहला यहाँ सब जगह पर वाटर लीकेज था। ये जो सफ़ेद कलर हो गया है वो वही है। यहाँ पर भी ये जो डब्बा है वहाँ वाटर लीकेज था। इसी तरीके से इस वॉल में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर छत में भी देख सकते हो, और यहाँ पर पीयूपी हो गया था, अगर वाटर लीकेज होता तो ये पूरी सीलिंग नीचे आ सकती थी। ये टेरेस बहुत दिनों से पड़ा रहा होगा, और यहाँ पर बारिश की वजह से पानी भी गिरा है, और मिट्टी जैसी चीज़ भी बहुत थी, तो उसकी वजह से हमें सफाई करनी पड़ी। अगर मिट्टी जैसी चीज़ नहीं होती तो सफाई नहीं करते तो भी चलता, लेकिन यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी और सीमेंट का कभी मेल नहीं होता है, इसलिए मिट्टी को निकालना ज़रूरी था। तो हम यहाँ पर मिट्टी की सफाई कर रहे हैं। मिट्टी नहीं होती है तो एक बार दोबारा सुन लो, अगर हमारा सीमेंट का थोड़ा बहुत कचरा है तो वो चल जाता है, मिट्टी नहीं चलती है। आप अगर हमारे जॉइंट बटन मेंबर नहीं हो तो तुरंत ही हमारा जॉइंट बटन मेंबर हो जाओ, ताकि आपकी कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिले। और अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हो तो संपर्क करो जॉइंट बटन लेकर। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें कुछ नई बताने वाला हूँ। ये दो केमिकल है, दोनों बहुत डिफरेंट है, लेकिन कब कौन सा इस्तेमाल करना है वो नई अपडेट के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और भी बहुत कुछ, यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, दोनों का काम कैसे करता है, दोनों सेम काम करते हैं वाटर प्रूफिंग का ही, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में थोड़ा फ़र्क है। 301 जो केमिकल है डॉक्टर फिक्सेट का, वो क्या काम करता है, वाटर प्रूफिंग का करता है। हम सीमेंट के पानी में मिला के गोल बना के उसको डालने वाले, लेकिन उसका जो सीमेंट को सॉलिड करने का काम है, उसका सूखने का जो टाइम है वो थोड़ा कम है, वो ज़्यादा जल्दी से सूखने लग जाता है, सीमेंट को थोड़ा जल्दी हार्ड करने लग जाता है, सीमेंट को थोड़ा सॉलिड कर देता है तुरंत। तो उसकी वजह से अगर उसको हमने टाइल्स इंस्टॉलेशन में डाल के टाइल्स लगाया, तो जो टाइल्स में हम सीमेंट का पानी डालते हैं वो बहुत जल्दी से सूख जाता है, और टाइल्स इंस्टॉलेशन में हमें या मसाले में भी नहीं डाल सकते, मसाला भी जल्दी सूख जाएगा, तो उसकी वजह से टाइल्स लगाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसका इस्तेमाल इस तरीके से, टाइल्स लगाने से पहले हम जो वाटर प्रूफिंग के लिए सीमेंट का पानी का गोल बना के डालते हैं उसमें हम डाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा जल्दी से सूख भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वाटर प्रूफिंग में वो बेस्ट है, ज़्यादा असरदार है। लेकिन वो टाइल्स में नहीं चलता है, टाइल्स में 101 LW ही चलता है। तो इसके बाद में जो हम काम करने वाले हैं उसमें हम 101 LW डॉक्टर फिक्सेट का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 301 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से हमें पूरे स्लैब पर अच्छे से डाल देना है। दूसरा, इस पर जो हम मसाला बाद में डालने वाले हैं वो डालने से पहले ये सूखना नहीं चाहिए, ये गीला ही होना चाहिए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो वाटर प्रूफिंग करेगा, दूसरा उस पर ये मसाला जब हम नया बना के डाल देंगे तुरंत ही, तो उसकी वजह से जो नीचे का वाटर प्रूफिंग किया है उसमें क्रैक नहीं आएगा, और उसके साथ ये रेती का मसाला अच्छे से चिपक जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि स्लैब और रेती के मसाले के बीच में कोई लेयर नहीं बनेगा, जो एयर आ जाती है, टाइल्स ऊपर हो जाने के प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ना कि ना के बराबर, आपकी टाइल्स कभी अलग ही नहीं होगी कितनी भी धूप पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने अगर 301 का इस्तेमाल करके रेती का मसाला तुरंत डाल दिया है तो कभी स्लैब से आपका मसाला अलग नहीं होगा।
बाकी हमें जो स्लैब का मर्चन जिस तरीके से हम करते हैं, लेवलिंग जिस तरीके से करते हैं, वाटर लेवल से उस तरीके से निकाल के कम 10 फुट में 1 इंच का स्लोप देना है। यहाँ पर टेरेस पहले से स्लोप में थी तो हमें स्लोप बहुत ज़्यादा मिल गया, वो बहुत अच्छा है टेरेस के लिए। जितना स्लोप है मिनिमम स्लोप 10 फुट में 1 इंच होना ही चाहिए कम से कम। तो इस तरीके से लेवल किया जाता है। दूसरा, इस मसाले में अब जो भी पानी डाला गया है वो सारा पानी LW101 डॉक्टर फिक्सिट वाला ही डाला जाता है, या कोई भी आप वाटर प्रूफिंग ले लो डॉक्टर फिक्सिट की बजाय, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी वाटर प्रूफ अच्छे ही आते हैं सभी कंपनी के। तो आप कोई भी और भी केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी बहुत सारी कंपनी के हमें SBR प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप वो भी ख़रीदना चाहते हो या ये केमिकल भी ख़रीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में Amazon से ख़रीदने की लिंक मिल जाएगी। टाइल्स इंस्टॉलेशन में मसाले से लेके टाइल्स इंस्टॉलेशन में जितना भी पानी इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट में मिला के, वो सारा पानी हम LW वाला इस्तेमाल करते हैं, 101 LW, ब्लू कलर का जो डब्बा आता है वो वाला, ताकि ये सॉलिड इतना जल्दी नहीं होता है। टाइल्स इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, टाइल्स इंस्टॉलेशन बड़े आसानी से हो जाता है और वाटर प्रूफिंग भी हो जाता है। आप कोई भी एडेसिव का, कोई भी WR का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसका ही करना है, सभी कंपनी के अच्छे आते हैं दोस्तों। आपके वहाँ जो अवेलेबल है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर प्रूफिंग फुल बॉडी वाटर प्रूफ रोप टाइल्स इंस्टॉलेशन, उसके बाद में इसके जॉइंट 4 केमिकल मिला के पूरे गए हैं और इसको 8 दिन तक पानी भर के, आप देख सकते हो सभी जगह पर पानी भर के चेक करते हैं, एक बूंद लीक नहीं होती है और इसके जॉइंट कभी नहीं खुलते। अगर ये आप जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो है ही इस पर कि हम क्या करते हैं, तो आप देख सकते हो। रॉप टाइल्स इंस्टॉलेशन पर हमारे पहले भी बहुत सारे वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लेना। दूसरा, टाइल्स इंस्टॉलेशन में खांचे ज़रूर लगाओ, खांचे खिले का काम करते हैं, टाइल्स को कभी भी ऊपर नहीं आने देते, तो खांचे लगा कर ही टाइल्स लगाओ। और ये जो लाइन टू लाइन आप बिठा रहे हो तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेंडिंग आपको बहुत कम मिलेगा। अगर आप ब्रेक जॉइंट लगाते हो, ब्रिक्स वॉल की तरह लगाते हो, तो उसकी वजह से टाइल्स का बेंडिंग रहेगा, तो वो बेंडिंग दिखने का चांस बहुत बढ़ जाता है। टेरेस जब तैयार हो जाएगी उसके बाद में लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो हो सके तो दोस्तों लाइन टू लाइन स्क्वायर में ही टाइल्स इंस्टॉलेशन करो, 4 mm का प्रेशर रख के। 16x16 की टाइल्स बेस्ट रहती है टेरेस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों, प्लीज़। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करने में आपको क्या दिक्कत है, आपके भाई को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प करो ना। टेरेस का स्लोप ज़्यादा होने की वजह से हम पूरी टेरेस में ज़्यादा पानी नहीं भर पाए, क्योंकि पानी को इंस्टॉल करने का भी एक तरीका होता है, जो हमारा वाटा लगता है 45 डिग्री जो वाटा लगा है उसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पानी भरते हैं तो लीकेज तुरंत शुरू हो जाएगा। तो जितनी टाइल्स लगी है वहाँ से थोड़ा कम ही पानी भरना है। दूसरा, बारिश का सीजन था, अगर बारिश आ गया तो पानी का लेवल अपने आप बढ़ जाता, तो ये सारी दिक्कतें होने की वजह से पानी थोड़ा कम भरा है क्योंकि स्लोप ज़्यादा था। टेरेस के काम में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में काम होना चाहिए, अगर 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन लगते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उसमें जॉइंट गिरेगा, नहीं गिरता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमारा दूसरे दिन का काम है, हमें भी 2 दिन लगे ही थे तो इसमें जॉइंट नहीं पड़ता है। आप दूसरे दिन भी बड़ी सेम प्रोसेस से काम करना है, कोई जॉइंट नहीं रहेगा।